ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजकांपुर तहसील अंतर्गत आने वाले भूमि पर पत्थर खनन माफिया का खेल खुलेआम अवैध रूप से चल रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर किसी तरह का जवाब देने से कतरा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बहुत दिनों से पत्थर खनन का लूट राजकांपुर के अंतर्गत आने वाले इस जंगल में विभिन्न जगहों पर छोटे छोटे खनन स्थल बनाकर किया जा रहा है। वही विशेष बात यह है कि इस पत्थर को संबलपुर जिला के मुड़ानसा गांव के जंगल में क्रेशर बैठाकर पत्थर माफिया अवैध रूप से पत्थर की लूट कर रहे हैं, जिसकी जानकारी ना तो वन विभाग अधिकारियों के पास है और ना ही स्थानीय तहसीलदार दे पा रहे हैं। यहां तक कि रेलवे की तीसरी लाइन बनाने के क्रम में निकाले गए करोड़ों के पत्थर बॉर्डर को भी पत्थर माफिया उठाकर गिट्टी बनाकर बेच दिए और विभाग को पता ही नहीं चला। अब यहाँ सवाल बनता है कि सुंदरगढ़ जिला के राजकांपुर तहसील के वन विभाग के भूमि से पत्थर निकालकर संबलपुर जिला के जंगल में क्रेशर बैठाकर उसे पीसकर बेचे जा रहे हैं, और इसका जवाब ना तो राजकांपुर तहसील के अधिकारी दे पा रहे हैं और ना ही संबलपुर जिला के स्थानीय अधिकारी दे पा रहे हैं। संवाददाता रामप्रेस चौधरी, वीएसआरएस न्यूज, ओडिशा।